अब कितने साल के हो चुके हैं मेरी जान? जान 32। अभी टाइम हो रहा है शाम का, 6 बज रहा है और सुंदर नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। हम माँ बेटी अभी दोनों खड़े हो गए ना, हमारी आदत है जैसे सो के उठ के थोड़ी देर आके ना बाहर में थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है और उसको भी अच्छा लगता है, पूरा मेरे ऊपर गई है। चलो आज एक स्पेशल डे है, क्या है आपको आगे पता चलेगा और टाइटल से भी आपको पता लग ही गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग भगवान के आशीर्वाद करेंगे। यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और आरती दिखा रही हूँ भगवान को, और आप लोग भी आरती लीजिए और फिर चलिए तो कुछ मीठा बनाते हैं। तो मीठा में यहाँ पर मैं शीर कुरमा यानी सेवई का खीर बना रही हूँ। यहाँ पर कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग एंजॉय करिए। और हाँ, ब्लॉग को लास्ट तक वॉच करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, बहुत इस बार तो बहुत मज़ा है। और वॉच करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब टू साइड लाइव। चलो कंटिन्यू करिए। मैं भी रेडी हो गई, अभी केक कटिंग होगा, आज मेरा बर्थडे है। अच्छी से नहीं पहनी, बस इस टाइप का थोड़ा सा पहन ली। मम्मी आज क्या बन रहा है डेजर्ट में? सिर कुरमा। वाह क्या खुशबू है, ये का खुशबू बहुत अच्छा दिख रहा है। आप भी थैंक यू। हाय सोना, अभी रेडी हो रही है मामा का बर्थडे के लिए। सोना एक बार बोल दो मामा को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मामा। जिनी भी रेडी है पूरा, आज जिनी आज मस्त लग रही है। क्लियर क्यों नहीं आ रहा? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइरोजी लाइफ। मैं हूँ रोजी, आप सबको स्वागत करती हूँ हमारे चैनल साइरोजी लाइफ में। आज है 21 मई, आज के दिन मेरा बर्थडे पड़ता है, ठीक है। तो अभी इवनिंग का टाइम है, मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, अभी केक कटिंग होगा। हमारे इधर तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ गिफ्ट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये साड़ी मेरे पास नया था तो मैं उसको पहन ली। तो चलो अभी केक कटिंग करेंगे। हाँ गाइस, अपना लास्ट तक ये ब्लॉग को देखिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला ब्लॉग, बर्थडे स्पेशल ब्लॉग तो इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली होगा। तो पसंद आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू साइरोजी लाइफ, मुझे ना ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट भी करिए, ठीक है। तो चलो को बच्चे को देखो, ये पूरा केक खाने के लिए पागल हो रही है, खाने के लिए नहीं कटिंग करने के लिए। सोना ये पहले से डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ गए। और इधर देखिए मिस्टर दास अभी सेल्फी ले रहे। आज लॉकडाउन था तो केक बड़ी मुश्किल से मिला, काफी आइसी स्पाइस वाले को मैंने पर्सनली कॉल करके बोला था और इन लोगों को तो पता नहीं था केक, तो मैंने केक लेके आया है। बड़ा केक तो मिला नहीं अभी लॉकडाउन में। कैप्चर करिए थोड़ा सा, देखिए सोना पर पागल हो चुकी है केक काटने के लिए। हाँ सोना, और हैप्पी बर्थडे बोल। हाय यस, देखो ये आपके लिए ये वाला केक लाया, तो छोटा सा केक प्लीज इसको एडजस्ट कर लेना लॉकडाउन में। कौन एडजस्ट करेगा, मैं करूंगी कि वो लोग करेंगे? और कुछ गिफ्ट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि कोई दुकान खुला नहीं, ना कपड़े की दुकान खुला है, ना गोल्ड का कुछ भी नहीं खुला है। और आज सुबह सुबह हमारा बर्थडे जा रहा है, ब्लॉग करो।
बर्थडे टू मी, रोजी के काट दिए है, हैप्पी बर्थडे टू मी। सबसे पहले भगवान के पास थोड़ा सा देखे बोलो। सारे आप लोग के लिए, ये केक आपके लिए, आपके लिए ये केक आप लोग के लिए। अब सामने हाँ तो चलो सारे केक सोना की है, सोना और उसकी बहन दोनों के लिए। सारा केक लगता है यहीं से, केक तो मस्त है टेस्ट ना मामा। हाँ ये डालो जी जाने वाले कब लो बाय। हाँ अब कितना साल हो चुके हो, मुझे तो उसी दिन का याद है, तेरे को लग रहा है 20-25 साल की बात है। नहीं मैं 40 साल की पूरा। चल कंपटीशन करते कौन गिराते हैं। हे भगवान भगवान क्या हुआ, ओ माय गॉड। चलो चलो कुकिंग करते हैं सब। अब चलिए आज कुछ डिनर स्पेशल डिनर बनाते हैं। आज का क्या है गाइस, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में हमारी हम लोग लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं, तो उसको दे दे थोड़ा सा कटिंग करते हैं। सोना मतलब पागल हो रहे केक को कटिंग करेगी, बार बार उसको पूरा पीस पीस करके काट देगी सारे, रात को खत्म करके देंगे। तो ऑलरेडी मैं खीर के लिए ना सेवे का खीर बना दी हूँ, अभी पूड़ी बनेगा और कुछ भेज चना दाल वगैरह कुछ बनाऊंगी। तो चलो कुकिंग करते ना। केक भल लागू छे। सोना अभी केक खा रही है, उसकी दीदी उसको खिला रही है। सोना हाय कर, हाय 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 बोल दो। हाय केक अच्छा लग रहा है, अभी वो बेस्ट है। अभी मिस्टर दास का पूड़ी है, मिस्टर दास अभी पूड़ी बना रहे, बर्थडे स्पेशल पूड़ी। अरे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं चना दाल बॉयल करके रखी हूँ, चना दाल और आलू, उसको मैं अभी तड़का लगाऊंगी। आज क्या ना गाइस, हमारे जो फ्राइडे है तो बिना प्याज लहसुन का बनेगा, तो इसलिए इधर रखिए। पेपर नहीं रखे, टिश्यू पेपर। चलो कोई बात नहीं, मिस्टर दास का पूड़ी ना अच्छे से फूल रहा है पूरा। आज मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया ना, ये पूड़ी बना के मुझे हेल्प कर रहे, बस यही हो गया उनका गिफ्ट। नहीं नहीं मुझे बोल रहे थे जाने के लिए, एक्चुअली क्या है ना, जो कोरोना के डर से ना मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, ऐसे भी लॉकडाउन है कहाँ जाना है। हाँ दुकान भी तो बंद है, कहाँ जाना है। गोल्ड का नहीं खुला, गोल्ड और कपड़े का। हाँ गोल्ड बीच बीच में ना फैमिली में इस टाइप का बर्थडे सेलिब्रेशन और कुछ भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन होना करना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, आपस में प्यार बढ़ता है, परिवार में खुशियाँ लाता है, अच्छा अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभार पूड़ी पूड़ी बना के खा लिया करो अच्छा लगेगा। और जिंदगी दो दिन का मेला है, यहाँ पर मौज मस्ती कर लो और क्या है। आसो
ये हमारा बर्थडे स्पेशल थाली रेडी है। थाली मतलब जो जो मतलब होना चाहिए बर्थडे के हिसाब से। ये खीर है, इस बार मैं राइस का खीर नहीं बनाई, ये सेवे का खीर है, पूड़ी है, केक है और चना दाल आलू की करी है। ये है सोना पास में। सोना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ ये है। चलो आप लोग भी टेस्ट करिए। आशु जी नहीं जाओ, पापा को बुला के लाओ। चलो जाओ। खाना खाने के बाद यहाँ पर देखो सारे बर्तन मैं क्लीन करके रख चुकी हूँ और बेसिन भी पूरा साफ है और मटका में बस पानी भरना है और बाकी सारे काम फिनिश हो गया। अभी क्या ना हाउसमेड, एक मिनट। बहुत दिन हो गया, बस एक महीना हो गया मैं हाउस हेल्पर जो आती थी ना हेल्प करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, उसको मैं बंद कर दी। जब से ये कोरोना तेज से पूरा बढ़ गया ना तब से मैं बंद कर दी। अपने हाथों से मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पीप भी लग रहा है, तो इसीलिए सुबह मैं आराम से उठूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। सारे बर्तन किचन हर रात को मैं क्लीनिंग करके सोती हूँ, सुबह उठ के बस झाड़ू पोछा करना होता है, फिर नहा धोकर पूजा करना होता है। तो यहाँ तक था आज का जो ब्लॉग है, छोटा मोटा सेलिब्रेशन, कुछ ज़्यादा तो बड़ा नहीं है। आप सोचोगे तो वो ज़्यादा बड़ा होगा, नहीं सोचोगे तो फिर वो छोटा हो जाएगा। अपने लिए ठीक ठाक था, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो लॉकडाउन है, कुछ बंद है, तो छोटा मोटा करके हम लोग को बस खुशी मिलता है। पहले क्या होता था, हम लोग बर्थडे थोड़ी मनाते थे जब हम छोटे थे, बस मम्मी लोग क्या करते थे, मंदिर में जाके ना भोग लगाते थे, बस पूजा करते थे, ना केक ना कुछ भी नहीं, बस सूजी का खीर बनता था, चावल का खीर इस टाइप का बनता था, और ये केक कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। बर्थडे मतलब मंदिर में पूजा होगा और घर में थोड़ा सा खीर, बस हो गया। और पूड़ी भी नहीं होता था उसमें, हम लोग ना चावल का जो डोसा बना के खाते थे, चक पूड़ी। अभी आजकल का जमाना में बस केक कटिंग करो, मुझे इतना इच्छा नहीं है कि मैं सेलिब्रेशन करूँ, बस हस्बैंड और बच्चे के लिए मुझे करना पड़ता है, खुशी मिलता है उनको। और बस यही था छोटा मोटा ब्लॉग, आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल देते हो यार, ये तो बड़ा फ्री है, सब्सक्राइब और लाइक ये सारे फ्री है, आप कंजूसी मत करिए, ढेर सारा लाइक करिए और आपका प्यार दीजिए, ठीक है। और क्या बोलूँ, बहुत हो गया ना, ये अच्छा लग रहा है ना कान का, अभी ना बहुत गर्मी लग रहा है ना, इसलिए मैं साड़ी चेंज कर दी, क्यों उसको झूठा करना है, नया साड़ी था। और चलो बस अभी पानी भरना है, फिर थोड़ा सा अपने छत के ऊपर जाना है। अभी क्या ना रात के टाइम हम लोग अभी जा रहे हैं, मतलब आफ्टर डिनर के बाद हम लोग जा रहे हैं, कि उस टाइम कोई नहीं रहता, थोड़ा हल्का फुल्का घूम के फिर आ जाते हैं, क्योंकि दिन भर तो घर में रहते, पूरा घर में रह रहेगा ना पूरा बोर हो गए, तो इसलिए अभी थोड़ा सा छत के ऊपर जाना फिर आके। तो बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस, टेक केयर।